पलामू में भीषण गर्मी से लोग परेशान, ऊपर से पूरी नदी सूख चुकी है, जिससे पानी की किल्लत सबसे ज्यादा शहरवासियों को उठाना पड़ रहा है। पर नगर निगम और पीएचडी विभाग की तरफ से उचित व्यवस्था नहीं किए जाने पर शहर में सप्लाई पानी कुछ दिनों से लगभग ठप सी हो गई है। निगम और पीएचडी विभाग की लापरवाही की वजह से शहरवासियों को समुचित मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आपको बता दें कि समय रहते नगर निगम की तरफ से टैंकर की व्यवस्था नहीं की गई, जिसके बाद जब इंडियन रोटी बैंक की तरफ से टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी देने की शुरुआत की गई, तब नगर निगम की तरफ से भी टैंकर की व्यवस्था कराई गई, लेकिन नगर निगम का टैंकर सिर्फ हाथी का दांत साबित हो रहा है। दरअसल इस भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और पंप कल का मोटर भी समुचित मात्रा में पानी नहीं चढ़ा पा रहा है, कारण नदी में पानी नहीं है। नगर निगम और पीएचडी विभाग दोनों की लापरवाही की वजह से पूरा शहर में पानी की किल्लत हो रही है। पानी सुचारू रूप से चल नहीं पा रहा है, रीजन क्या है? नदी में पानी रुक जा रहा है और सही से सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका जो आपका ये क्या बोलते हैं आपका फुटबॉल जो फुटबॉल जाम हो जाता है तो उसको भी सही से सप्लाई साफ नहीं कर पाता आदमी लोग। अच्छा, हम लोग तो अपना तरफ से चला ही देते हैं, लेकिन अब सही से नहीं कर पाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए चेयर पर्सन जी आ रहे हैं, मेयर और डिप्टी मेयर सब नींद से जगते हैं, जब हम जैसे लोग उन्हें जगाते हैं, पानी वितरण करना, क्षेत्र में दौरा करना, तो उसके बाद इन लोगों को नींद खुलती है। बारिश नजदीक जब आ जाता है तब इनका जो टेंडर प्रक्रिया है वो फाइलों में अटक कर रह जाता है। आज तक विगत 4 वर्ष हो चुके हैं नगर निगम में इन लोगों को पदभार लिए हुए, लेकिन अभी तक कोई भी जितने भी जल स्रोत हैं उन जल स्रोतों से नगर निगम क्षेत्रों में पानी अभी तक सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पाता है।